सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया। श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, राम रोशनी जगा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि लव और कुश श्री राम को रामायण की कविता सुनाते हैं, जो रामायण श्री राम ने सुनी वह थी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण। जो रामायण आप और हम सुनते हैं वह है तुलसीकृत रामचरितमानस। श्री राम ने जब महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सुनी तो उन्हें अपने जीवन की बातें याद आ गई, कैसे वे बचपन में विद्या प्राप्त करने ऋषि कुल में गए थे। अन्य कई बातें भी श्री राम को याद आ जाती हैं। अब श्री राम के दिल में फिर से माता सीता के लिए प्यास और तड़प उठती है। 12 वर्ष वे सीता से दूर रहे थे, अब वे कहते हैं कि समय आ गया है, मुझे चलकर सीता का दर्शन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सीता की पवित्रता पर शक करता होगा, जो यह कहे कि सीता का जीवन पवित्र नहीं है, श्री राम ने क्यों सीता को अपने साथ रखा है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी सीता के खिलाफ कुछ कहेगा। श्री राम अपने मुख्यमंत्री भद्र को बुलाते हैं और उसे कहते हैं, भद्र, शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता है तो उस यज्ञ के पूजा में उसके साथ उसकी धर्म पत्नी का बैठना जरूरी है। भद्र, मैं चाहता हूं कि यज्ञ शुरू होने से पहले सीता लौट आए, जिस कारण मैंने सीता को स्वयं से दूर रखा अब वह कारण नहीं रहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब सीता मेरे साथ रहे। तुम जाकर महर्षि वाल्मीकि से विनती करो कि वे सीता को यहां पर बुलाएं। यह सुनकर भद्र बहुत खुश होता है। भद्र श्री राम का मुख्यमंत्री था, पर उसके जीवन में कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा जब उसने श्री राम और माता सीता के लिए भगवान से प्रार्थना न की हो। वह हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करता था कि भगवान, मेरे जीवन में वह दिन जल्दी आए जब मैं श्री राम और सीता माता को फिर से साथ साथ देखूं। अयोध्या के कई लोगों के दिलों में सीता के लिए न केवल प्रेम था बल्कि भक्ति भी थी। वे सीता को अपनी माता समझते थे। वे मन ही मन सोचते थे कि श्री राम से दूर रहकर माता सीता की ना जाने क्या हालत होगी। भद्र बिना समय गवाए उस समय दौड़कर महर्षि वाल्मीकि के पास जाता है और उनसे विनती करता है, करते हुए कहता है, ऋषिवर, श्री राम की विनती है कि माता सीता को यहां बुलवा लें। वे माता सीता से मिलना चाहते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया जाएगा। आप जाकर उनसे कह दें कि कल सवेरे सीता अयोध्या आ जाएगी। ऋषि वाल्मीकि तुरंत रात के समय ही अपने शिष्यों को माता सीता को अयोध्या लाने की आज्ञा देते हैं। उनके शिष्यों के लिए रथ तैयार कर दिए जाते हैं। वे उसी समय रथ में बैठकर आश्रम के लिए रवाना होते हैं। सारी अयोध्या में
इस समाचार से चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। पहले बाहर से आए लोग आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि श्री राम अश्वमेध यज्ञ तो कर रहे हैं, पर वे सीता के बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकेंगे, क्योंकि शास्त्रों की शिक्षा अनुसार हर राजा जो अश्वमेध यज्ञ करता है पूजा में उसके साथ उसकी धर्म पत्नी का बैठना जरूरी है। शिष्य दौड़ते हुए आश्रम में आते हैं और माता सीता से कहते हैं, माते माते हम आपके लिए एक शुभ समाचार लाए हैं, श्री राम आपके दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव ने हमें यहाँ भेजा है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं ताकि हम रथ में बैठकर जल्दी ही अयोध्या पहुंच जाएं। गुरुदेव की आज्ञा है कि सुबह तक हमें अयोध्या पहुंच जाना चाहिए। तब माता सीता को उस दिन की याद आती है जब रात के समय लक्ष्मण उसे आश्रम के बाहर छोड़कर चला गया था। उस दिन के बाद नो मैसेज पास्ड बिटवीन श्री राम एंड सीता। सीता को श्री राम ने कोई भी संदेश नहीं भेजा था। सीता जल्दी से तैयार होकर शिष्यों के साथ रथ में बैठकर सवेरे तक अयोध्या नगरी आ पहुंचती है। अब वह महल में नहीं जाती है बल्कि जहां पर ऋषि के ठहरने का प्रबंध किया गया था उस स्थान पर जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ऋषि के ठहरने के लिए एक विशाल भवन का निर्माण किया गया था। कुछ समय वह महर्षि वाल्मीकि के चरणों में बैठती है। उधर श्री राम दरबार में आते हैं तो उस समय पूरा दरबार मंत्रियों वजीरों व अन्य लोगों से खचाखच भरा हुआ था। श्री राम सभी लोगों से कहते हैं कि मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मैंने सीता को दूत भेजा, वह आज यहां पर आएगी, मैं चाहता हूं कि फिर से हम दोनों साथ साथ रहें, क्योंकि जिस कारणवश सीता को मुझसे दूर रहना पड़ा अब वह कारण नहीं रहा। अश्वमेध यज्ञ के लिए एक विशाल भूमि को चुना गया है, वहीं पर यज्ञ किया जाएगा, जो कोई भी उस यज्ञ में आना चाहे आ सकता है। उस समय मैं आप सबके सामने सीता से यह विनती करूंगा कि वह फिर से एक बार आपको बताए कि उसका जीवन आज तक पवित्रता के सूत्र में बंधा हुआ है, और महर्षि वाल्मीकि से भी मैं विनती करूंगा कि वे इस बात की साक्षी दें। महर्षि वाल्मीकि एक महान आत्मा है जिन्हें प्रभु ने अपनी कृपा से त्रिकाल दृष्टि प्रदान की है। ही नोज द पास्ट, ही इज अवेयर ऑफ द प्रेजेंट एंड ही कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। उन्हें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों का ज्ञान है। महर्षि वाल्मीकि अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखकर हमें यह बताएंगे कि सीता जैसी पवित्र स्त्री इससे पहले ना तो कभी पृथ्वी पर आई है और ना ही कभी आएगी, उसके बाद हम दोनों साथ साथ रहेंगे। पूरे जोर शोर से यज्ञ की तैयारियां हो रही थी। सभी लोगों को माता सीता के आने की खबर भी मिली। वे सीता के दर्शन पाने के लिए यज्ञ भूमि पर आकर इकट्ठे होते हैं। पूरी अयोध्या के लोग तथा आमंत्रित राजा महाराजा ऋषि मुनि आकर भूमि पर इकट्ठे हो जाते हैं। श्री राम भी वहां आते हैं और वे महर्षि वाल्मीकि से विनती करते हैं, हे महर्षिवर, कृपया अब आप सीता को लेकर आएं। सीता महर्षि के साथ यज्ञ भूमि में आती है। 12 वर्षों से सीता ने अपने देवता के दर्शन नहीं किए थे। 12 वर्ष बीत गए थे। सीता के मन में यही प्यास थी कि मैं अपने देवता के दर्शन करूं, किंतु आज वह आंख उठाकर देख नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों आज उसकी आंखें
मानो जमीन में गिर सी गई थी। वह नजर उठाकर ऊपर की ओर नहीं देखती। मैं ऋषि सीता को श्री राम के सामने लाकर खड़ा करते हैं और उस समय श्री राम सीता से कहते हैं, सीते मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से तुम लोगों को यह बता दो कि तुम्हारा जीवन सदा निष्कलंक रहा है, बेदाग रहा है, तुम्हारा जीवन सदा पाक पवित्र और निर्मल रहा है और मैं चाहता हूं कि महर्षि वाल्मीकि भी अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखकर हमें यह बताएं कि आज तक इस धरती पर तुम्हारे जैसी पवित्र स्त्री ने पैर नहीं रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पवित्रता पर उंगली न उठा सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए श्री राम स्वयं भगवान थे, वे अवतारी पुरुष थे, अपार शक्ति के मालिक थे। ऐसा क्या था इस संसार में जो वे चाहते तो नहीं कर सकते थे, पर फिर भी इतनी शक्ति के स्वामी होते हुए भी होनी के आगे उन्हें भी अपना सिर झुकाना पड़ा। काश हम भी हुक्म के आगे सिर झुकाना सीखें। जो कुछ भी होता है वह प्रभु की इच्छा उसकी आज्ञा से होता है और उसी में ही हमारा भला है। मैंने आपको पहले बताया था कि भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था। उस समय विष्णु भगवान स्वयं वहां आते हैं। भृगु ऋषि श्राप देने के बाद कहते हैं कि यह मैंने क्या किया। वे भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं कैसे आपको श्राप दे सकता हूं, यह तो ना जाने कौन सी शक्ति ने मुझसे यह काम करवाया है। वे भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे दिल में आपके प्रति कभी भी ऐसी भावना नहीं थी, मैं नहीं जानता यह सब कैसे हो गया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इसमें भी कोई राज है, मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है। क्यों इस समय पृथ्वी पर असुरी शक्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, असुर लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं, इसलिए लोगों की रक्षा के लिए मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। अब तुम्हारे श्राप द्वारा मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा, जो कुछ भी तुमने कहा है उससे भला ही होगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, सदा अपने जीवन को प्रभु की आज्ञा उसकी इच्छा में बांधो। जो तुद्ध भाव है साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। प्यारे भाइयों और बहनों, सीता जिसका सिर अभी तक झुका हुआ था, श्री राम की बातें सुनकर वह अपना सिर ऊपर उठाती है और श्री राम की ओर देखती है। जरा आप लोग विचार करें कि उस समय सीता के मन में कैसे कैसे विचार उठ रहे होंगे।
वह मन ही मन कहती है कि इस समय अगर लोगों को मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण दे भी दूं, तो आज नहीं तो कल फिर से वे मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, फिर से मुझ पर मेरी पवित्रता पर शक करेंगे। They will point fingers at Shri Ram. और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई भी मेरे प्रभु पर उंगली उठाए। श्री राम को लोगों के इस व्यवहार से कितना दुख पहुंचेगा। मैं श्री राम के दिल को दुखी नहीं देख सकती। इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मैं रहूंगी और ना ही किसी को यह मौका मिलेगा कि वे श्री राम मेरे प्रभु जिन्हें मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं उन पर कोई उंगली उठा सके। मेरे प्रियजनों, उस समय माता सीता अपने दिल के गहराइयों से धरती माता को पुकारती है। सीता कहती है कि हे धरती माता, अगर मैंने अपने जीवन में श्री राम के अलावा अपने मन वचन और कर्म से किसी अन्य पुरुष का विचार नहीं किया है तो तुम मुझे अपनी गोद में समा लो। अगर मेरा कहा हर वचन सत्य है तो ही धरती माता अभी इसी समय तुम मुझे अपनी गोद में अपनी कृपा भरी बाहों में थाम लो। तेरे चरणों में हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण। मेरे प्रियजनों, और तब देखिए क्या होता है। माता सीता की पुकार प्रभु और धरती माता सुनती हैं। उसमें से एक बहुत विशाल सिंहासन जिसे चार नाग अपने सिर पर उठाए हुए थे धरती से बाहर निकलता है। वह सिंहासन सोने का था जिस पर भिन्न भिन्न प्रकार के हीरे जवाहरात जुड़ी हुई थी, जो सूर्य के रोशनी में इतना चमक रहा था कि लोग उसकी ओर देख ही नहीं पा रहे थे। उस सिंहासन पर धरती माता विराजमान थी। वे अपनी दोनों बाहें खोलकर सीता से कहती है कि मेरी पुत्री, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि तुम सदा पवित्र और निर्मल रही हो। इस दुनिया के लोग तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाए हैं, उन्हें तुम्हारे कदर नहीं है, वे तुम्हारे असली सूरत नहीं जानते हैं। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। सीता भरी सभा में सबकी आंखों के सामने दौड़ती हुई धरती माता के गोद में जा बैठती है और श्री राम से कहती है, आर्य पुत्र, जब आपने मुझे श्री वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था उसी दिन मैंने आत्महत्या कर ली होती, क्योंकि आपसे दूर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं सपने में भी आपसे दूर रहने की कल्पना नहीं की थी, पर क्योंकि मेरी कोख में आपकी संतान पल रही थी इसलिए मैंने यह कदम नहीं उठाया।
पर अब मेरे दोनों पुत्र बड़े हो गए हैं और ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा दीक्षा भी दी है। उन्होंने उसे अब इस काबिल बनाया दिया है कि ये अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, ऋषि वाल्मीकि भी लोगों को कहते हैं कि मुझे सब बातों की जानकारी है, कितने ही वर्ष मैंने तपस्या की है। इन बीते वर्षों में मैंने तपस्या करके दैवी शक्ति प्राप्त की है। आज जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं उसमें अगर रत्ती भर भी कुछ झूठ है तो मेरी सारी शक्ति नष्ट हो जाए। आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं कहा है। इस जुबान से मैं आप सब लोगों को सच कहता हूं कि देवी सीता जैसी पवित्र स्त्री इससे पहले ना तो कभी पृथ्वी पर आई है और ना ही कभी आएगी। सीता पवित्रता की देवी है। इसने अपने जीवन में श्री राम के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार भी नहीं किया है और ना ही किसी अन्य पुरुष की ओर निगाह उठाकर देखा ही है। यह सब मैं आप लोगों को अपनी त्रिकाल दृष्टि द्वारा देखकर बता रहा हूँ। मुझे भगवान की कृपा से तीनों कालों का ज्ञान है। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में घटित होने वाली घटनाओं को जानता हूँ। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। लोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया, श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने बताया कि माता सीता धरती माता के गोद में बैठकर धरती में समा जाती है, यह सब देखकर श्री राम इज टेकन अनअवेयर्स। श्री राम नेवर एक्सपेक्टेड टू सी दिस। श्री राम जब यह दृश्य देखते हैं तो उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। फिर जब उन्हें हकीकत का आभास होता है तो बरसों से
दिल में दबा प्यार आंसुओं के रूप में उमर पड़ता है। श्री राम सीता को धरती की गोद में जाते देखकर रोते हैं। आज तक श्री राम कभी भी लोगों के सामने नहीं रोए थे, वे एकांत में अपनी प्रिय सीता को याद करके रोते थे, पर आज उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहा और उनके आंखों से आंसू बह निकले। श्री राम कहते हैं कि यह सब क्या हो गया, मैं तो कैसे कैसे सपने देख रहा था, मैं तो समझ रहा था कि सीता भरी सभा में सबको अपनी पवित्रता का प्रमाण देगी, उसके बाद हम खुशी खुशी हमेशा साथ साथ रहेंगे, पर यह सब क्या हो गया, मैं तो समझ रहा था कि अब सीता मेरे साथ रहेगी, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा, हर सुख और दुख में सीता मेरे साथ निभाएगी, मेरी भागीदार होगी, अब वे सीता का वियोग सह नहीं पाते और वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इससे पहले श्री राम ने कभी भी किसी पर क्रोध नहीं किया था, वे तो हमेशा प्यार की मूरत बने रहे, हर एक को अपना प्यार देते रहे, किंतु आज क्रोध में उनकी आंखें लाल लाल अंगारों की तरह तप रही थी। किसी ने भी आज से पहले श्री राम का यह रूप नहीं देखा था। श्री राम अपने हाथों में तीर कमान उठाते हैं और धरती माता को ललकारते हुए कहते हैं कि हे धरती माता, तुमने मुझसे मेरी सीता को छीन लिया है, मैं अपनी सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अभी इसी समय मेरी सीता मुझे लौटा दो, वरना मैं तुम्हारी सारी सृष्टि, तुम्हारे पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत सब नष्ट कर दूंगा। माता सीता तुम्हारी पुत्री है, तुम्हारे ही गर्भ से सीता का जन्म हुआ है, उस रिश्ते से तुम मेरी सासू माँ हो, या तो तुम मुझे मेरी सीता लौटा दो या फिर मुझे भी तुम अपनी गोद में संभालो, क्योंकि अब सीता से बिछुड़कर मैं नहीं रहना चाहता, जहां पर सीता वहीं पर राम, मैं सीता के साथ रहना चाहता हूं, फिर सीता चाहे आकाश में रहे या फिर पाताल में, मैं वहां भी जाने को तैयार हूं, मैं अपनी सीते से दूर नहीं रहना चाहता। श्री राम तीर कमान उठाकर जैसे ही धरती माता पर तीर छोड़ने का सोचते हैं, उसी समय एक आकाशवाणी होती है। ऐसा बताया जाता है कि वह ब्रह्मा जी की आवाज थी। वह आकाशवाणी कहती है कि प्रभु, आप भूल रहे हैं कि वास्तव में आप कौन हैं? आप तो तीनों लोकों के नाथ हैं, आप तो स्वयं विष्णु हैं, जिसने मानव का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप इस धरती पर किसी विशेष कार्य को करने के लिए अवतरित हुए हैं, यह जो कुछ भी हो रहा है वह सब तो आपका ही रचा खेल है, यही सब कुछ आपकी ही इच्छा से हो रहा है। एवरी लिटिल डिटेल इज बीइंग वर्कड आउट अकॉर्डिंग टू योर विशेस। जग रचना एक राम रची, जल में थल में एक वही शाह, नूरी गोविंद गाओ मना, चलो रोज रैम की राह। जग रचना एक राम रची, जल में थल में एक वही शाह, मूरी गोविंद गाओ मना, रोज चलो रहम की राह। मूरी गोविंद गाओ मना, रोज चलो रहम की राह।
रचना एक राम रची, जल में थल में वही शाम। नूरी गोविंद गाओ मना, रोज चलो रहम की राह। नूरी गोविंद गाओ मना, रोज चलो रहम की राह। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आकाशवाणी और कहती है आप स्वयं यह चाहते हो, और अब इस समय आप कह रहे हैं कि आप इस धरती को नष्ट कर देंगे। आपने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है, आप धरती का नाश कैसे कर सकते हैं? सीता तो आपकी ही है, वह तो सदा से आपकी ही रही है। समय आने पर फिर से आप उससे मिल पाएंगे, वह यहाँ पर आपका इंतजार कर रही है। आप जब अपना कार्य पूरा कर लौट आएंगे तो देवी सीता आपको मिल जाएगी। जैसे ही श्री राम या आकाशवाणी सुनते हैं तो उनका सारा क्रोध शांत हो जाता है। ही इज पैसिफाइड, ही बिकम्स क्वाइट। अब श्री राम शांत होकर लव और कुश को गले से लगाकर अपने पास बिठाते हैं। आकाशवाणी ने श्री राम से यह भी कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं ऋषि वाल्मीकि ने यह भी बताया है कि भविष्य में आपकी आपके जीवन में क्या होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल में सीता से बिछड़ने के दुख का पहाड़ लिए हुए श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ महल में आते हैं और अपने कक्ष में वे उनसे कहते हैं कि इस रामायण का आखिरी भाग तुम मुझे एक बार फिर से सुनाओ। दोनों पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और उन्हें रामायण की कविता का आखिरी भाग सुनाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय का चक्कर अपने ही रफ्तार से चलता रहता है। श्री राम अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। अब श्री राम के लिए कई राज्यों से रिश्ते आते हैं। सभी का यही कहना था कि राजा रानी के बिना कैसे रह सकता है। जहां राजा वहां रानी का होना जरूरी है, क्योंकि समाज में कितने ही ऐसे कार्य होते हैं जिसमें रानी का होना जरूरी है। विशेषकर पूजा में, हवन आदि में राजा के साथ रानी का होना जरूरी है। इसलिए सभी की यही इच्छा थी कि श्री राम फिर से विवाह करे। जो भी राजकुमारी उन्हें पसंद हो वे उसके साथ विवाह कर ले। हर एक राजा महाराजा अपनी पुत्री का हाथ श्री राम के हाथ में देने के लिए तैयार है। श्री राम कहते हैं कि मेरी केवल एक ही रानी है और वह है सीता। सीता आज भी हर पल मेरे साथ है, वह एक पल भी मुझसे अलग नहीं हुई है। श्री राम सीता की सोने की प्रतिमा बनाते हैं। अयोध्या के तख्त पर दो सिंहासन रखे जाते हैं, एक पर श्री राम बैठते हैं और दूसरे सिंहासन पर श्री राम के साथ माता सीता की सोने की प्रतिमा रखी जाती है। शास्त्रों में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इस तरह कई वर्ष बीत जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शायद उन दिनों
लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी या फिर उन दिनों वर्ष की अवधि कम हुआ करती थी, मुझे नहीं मालूम। पर प्राचीन पुस्तकों से ज्ञात होता है कि श्री राम को राज्य करते हुए 11,000 वर्ष बीत जाते हैं। अयोध्या की प्रजा का हर प्राणी बहुत सुखी था। कहते हैं कि अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान न हो। अयोध्या का हर प्राणी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। शास्त्र बताते हैं कि इन 11,000 वर्षों की अवधि में श्री राम ने 10,000 यज्ञ किए और हर यज्ञ में उनके साथ माता सीता की सोने की प्रतिमा बैठती थी। एक दिन जब श्री राम अपनी दरबार में बैठे थे तो अचानक एक अजनबी दरबार में प्रवेश करता है। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका मुख एक अनोखे तेज से जगमगा रहा था। वह अजनबी हाथ जोड़कर श्री राम को प्रणाम करता है और कहता है कि मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है, मुझे आपको ब्रह्मा जी का एक संदेशा देना है, इसलिए मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूं ताकि अन्य कोई भी व्यक्ति उस संदेश को सुन न सके। जिस समय हम बातचीत कर रहे हों उस समय कोई भी हमारी बात में रुकावट न डालें। आप कृपया यह ऐलान कर दें कि जो कोई भी हमारी बात में रुकावट डालेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। श्री राम उससे कहते हैं, आप ब्रह्मा जी की ओर से आए हैं, आपका अयोध्या नगरी में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपको अपने प्राइवेट कक्ष में ले चलता हूं, वहां पर कोई भी हमारी बातचीत में रुकावट नहीं डालेगा। मैं लक्ष्मण से कह दूंगा कि वह मेरे कक्ष के बाहर खड़ा हो जाए और किसी को भी कक्ष में प्रवेश करने न दे। लक्ष्मण मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने देगा। आपकी जो शर्त है वह जरूर पूरी की जाएगी। उसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और वह अजनबी श्री राम के कक्ष में आते हैं। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी को भी मेरे इस कक्ष में प्रवेश नहीं करने देना, और वे अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर देते हैं। श्री राम ने ऐलान कर दिया था कि जो भी बिना मेरी इजाजत के मेरे कक्ष में प्रवेश करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। अब वह अजनबी श्री राम से कहता है कि मैं काल का देवता हूं और ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा है कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। आप इस पृथ्वी पर किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अवतार लेकर आए हैं, राक्षसों का नाश करके धर्म की रक्षा करने के लिए आप श्री राम का जन्म लेकर आए हैं, क्योंकि सदियों से आपका यह मानव जाति से वादा रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। परित्राणाय साधु।
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जब भी धरती पर पाप बढ़ जाएगा और लोग दुखी हो जाएंगे तो साधु संतों लोगों की धर्म की रक्षा करने के लिए आप पृथ्वी पर अवतार लेकर आएंगे। भक्तों के उद्धार के लिए पाप को मिटाने के लिए आप स्वयं यह खेल रचते हैं और हर युग में अवतार लेकर आते हैं। आप पृथ्वी पर स्वयं अपनी इच्छा से ही अवतार लेकर आए हैं क्योंकि आप पृथ्वी पर बढ़ रहे पाप के बोझ से धरती माता को आजाद करना चाहते हैं। यू हैव प्री डिटर्मिंड इट बिकॉज नो बॉडी कैन टेल यू टू डू दिस और दैट। यू आर द सुप्रीम लॉर्ड। आप स्वयं तीनों लोगों के नाथ हैं और आपने स्वयं यह फैसला लिया था कि इतना निश्चित समय आप पृथ्वी पर रहेंगे। अब वह समय समाप्त हो चुका है। आपने अपने जीवन में कई लीलाएं खेली हैं और ये सब लीलाएं आपने पहले से ही रच डाली थी। जैसा आप चाहते थे ठीक वैसा ही हुआ है। अब इस खेल का अंतिम समय आ गया है और ब्रह्मा जी ने मुझे आपके पास इसलिए ही भेजा है ताकि मैं आपको सूचित कर दूं कि अब समय आ गया है कि आप वैकुंठ धाम लौट जाएं। इस तरह श्री राम और उस अजनबी के बीच वार्तालाप चलता रहा कि तभी श्री राम के महल में महर्षि प्रवेश करते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दुर्वासा ऋषि थे जिनके बाल बिखरे हुए थे और वे तेज कदम उठाते हुए श्री राम के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। कक्ष के बाहर लक्ष्मण को पहरा देता देखकर दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मुझे अभी इसी समय श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण अपने सामने ऋषि को पाकर सबसे पहले उसे प्रणाम करता है, फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता से कहता है, ऋषिवर आपका अयोध्या में स्वागत है। आज आपके पाक कदम पड़ने से पूरी अयोध्या नगरी धन्य हो गई है। दुर्वासा ऋषि फिर से लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मेरा श्री राम से इसी समय मिलना बहुत ही जरूरी है। इस पर लक्ष्मण कहता है, ऋषिवर मुझे कृपया आप क्षमा कर दें, इस समय श्री राम अपने कक्ष में हैं और उनका यह आदेश है कि कोई भी उन्हें परेशान न करे, इसलिए कृपया आप थोड़ी देर इंतजार करें। जब श्री राम अपने कक्ष का द्वार खोलेंगे उनकी आज्ञा होगी तभी आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और वे लक्ष्मण से कहते हैं, तुम मुझे थोड़ी देर इंतजार करने को कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये शब्द कहने की। ऋषि दुर्वासा का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे लक्ष्मण से कहते हैं, मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम्हारे भाइयों को श्राप दूंगा, मैं सारी अयोध्या नगरी को श्राप दूंगा और पल भर में ही सारी नगरी नष्ट हो जाएगी। मेरे प्रियजनों, सभी लोग दुर्वासा ऋषि के क्रोध से परिचित थे। अब लक्ष्मण बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि वह क्या करे। एक और भाई का आदेश था कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी उनके कक्ष में प्रवेश न करने दिया जाए। आज तक लक्ष्मण ने कभी भी अपने भाई के आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है था। इस बार तो श्री राम ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया था कि विघ्न डालने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि का क्रोध। लक्ष्मण बड़े ही सोच विचार के बाद
इस नतीजे पर पहुंचा है कि सारी अयोध्या नगरी नाश हो उससे अच्छा है कि मैं अपने प्राणों की बलि दूं। लक्ष्मण ऋषि से कहता है, ऋषिवर मैं अभी इस समय जाकर श्री राम को आपके आगमन की सूचना देता हूं। लक्ष्मण श्री राम के कक्ष का दरवाजा खटखटाकर कमरे में प्रवेश करता है। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर भाई को प्रणाम करता है और अंदर आने के लिए क्षमा मांगता है। लक्ष्मण कहता है, प्रभु महल में दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, इस समय वे बहुत ही क्रोधित हैं। उनका कहना है कि अगर मैंने इसी समय उनको आपसे मिलने न दिया तो वे अपने श्राप से सारी अयोध्या नगरी का नाश कर देंगे, इसलिए मुझे आपके वार्तालाप में बाधा डालनी पड़ी, किंतु मैं आपके आदेश अनुसार अपराध के दंड को भोगने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपके कक्ष में इसलिए प्रवेश किया ताकि मैं दुर्वासा ऋषि के क्रोध से अयोध्या नगरी को बचा सकूं। आगे क्या होता है इसी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सत्यलोक की सुंदरता लेकर प्यारा आया, श्री राम ने कई लोगों को नींद से जगाया। राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा, राम रोशनी जगा। हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि लक्ष्मण श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना देता है। जब श्री राम को दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना मिलती है उसी समय वे अपने आसन से उठकर दुर्वासा ऋषि से मिलने अपने कक्ष से बाहर आते हैं। वे बड़ी ही नम्रता से ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, ऋषिवर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। हम संतन की रहन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। गहना हम संतन की।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पर महर्षि दुर्वासा कहते हैं, मैंने काफी समय से उपवास रखा है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना नहीं चाहता कि ऋषि दुर्वासा ने कितने दिनों तक व्रत रखा, क्योंकि आप सुनकर डर जाएंगे। आगे ऋषि कहते हैं, आज मैं इस उपवास को तोड़ना चाहता हूँ और मैं यह उपवास तुम्हारे हाथों से परोसे हुए भोजन से तोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे अपने हाथों से भोजन परोसो। श्री राम बड़े ही आदर से ऋषि को आसन पर बैठाते हैं, फिर उन्हें प्रेम और श्रद्धा से 36 प्रकार के भोजन स्वयं अपने हाथों से परोसते हैं। श्री राम की रसोई में तो रोज 36 प्रकार के भोजन बनते थे। श्री राम बड़े ही प्यार से ऋषि को भोजन करा रहे थे और दुर्वासा ऋषि जल्दी जल्दी उस भोजन को खाते चले जा रहे थे। वैसे लोग किसी फल का रस या उबले हुए मूंग का पानी पीकर उपवास तोड़ते हैं, पर दुर्वासा ऋषि तो 36 प्रकार के भोजन से अपना उपवास तोड़ते हैं। दुर्वासा ऋषि के सामने जो कुछ भी श्री राम परोस रहे थे, वे उन्हें जल्दी जल्दी खाए जा रहे थे। वैसे शास्त्रों का कहना है कि इतने दिन उपवास रखने के बाद किसी फल के रस को पीकर उपवास तोड़ा जाए तो वो हमारा पेट को खराब होने नहीं देगा, वरना पेट का संतुलन बिगड़ जाता है। 36 प्रकार के भोजन करने के बाद ऋषि दुर्वासा तृप्त होते हैं, श्री राम की सेवा से वे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही नहीं, ऋषि लक्ष्मण, शत्रुघ्न व भरत को भी आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुर्वासा ऋषि राम की जन्मभूमि को अपना आशीर्वाद देना शायद भूल गए, इसलिए तो आज वहां पर तकरार हो रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ बुरी खबर सुनने को मिलती है। काश दुर्वासा ऋषि श्री राम की जन्मभूमि को भी अपना आशीर्वाद देते तो कम से कम आज ये तकरारें तो नहीं होते। चारों ओर सुख शांति खुशहाली का माहौल बना रहता। ऋषि श्री राम की सेवा से तृप्त होकर प्रसन्न होकर वापस अपने आश्रम लौट जाते हैं। अब वह अजनबी जो श्री राम से एकांत में बात करता है, वह भी श्री राम से विदा लेता है। इतने में लक्ष्मण आता है और कहता है, प्रभु आपने इस अजनबी से यह वादा किया था कि आप दोनों के वार्तालाप में विघ्न डालने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, मैं उस दंड को भुगतने के लिए तैयार हूं। श्री राम के लिए लक्ष्मण से दूर रहना बहुत ही मुश्किल काम था। आपने सुना होगा श्री राम ने एक मौके पर कहा था कि इंसान को दूसरी पत्नी तो मिल सकती है, पर दूसरा भाई नहीं मिल सकता। मेरे प्रियजनों, श्री राम और लक्ष्मण का आपस में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे, पर आज लक्ष्मण के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनकर श्री राम की रूह कांप जाती है। श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्री राम ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण ऐसे कैसे हो सकता है? तब लक्ष्मण कहता है, भैया ऐसा ही होना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। Yeah।
लक्ष्मण कहता है जो वचन आपने इस अजनबी को दिया है वह वचन आपको निभाना होगा, यही हमारे कुल की रीत रही है। मैं इसी समय सरायू नदी के कंठ पर जाकर अपने प्राण त्यागता हूँ, आप किसी प्रकार का शोक न करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण आदि शेष था। आपने भगवान विष्णु की तस्वीर देखी होगी जिसमें वे आदि शेष पर लेते हुए हैं। विधि का वह विधान था कि पहले आदि शेष जाएगा, उसके बाद विष्णु भगवान इस पृथ्वी से विदा लेंगे। यह सारी रचना श्री राम ने पहले से ही रच डाली थी। श्री राम स्वयं इन सारी बातों से अनजान बने रहे, पर लक्ष्मण तो पहले से ही सब जानता था। भाई से विदा लेकर वह सरायू नदी के कंठ पर आकर बैठता है। अब वह योग शक्ति द्वारा अपने श्वासों को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाते हुए उन्हें सहस्रार चक्र में ले जाकर समाधि में चला जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। श्री राम को जब उसकी सूचना दी जाती है तो वे बहुत रोते हैं। अब श्री राम को याद आता है कि उस अजनबी ने कहा था इस पृथ्वी पर आपका कार्य पूरा हो गया है, अब आपको वापस अपने धाम लौट जाना है। श्री राम कहते हैं कि अब इस पृथ्वी पर मैं और अधिक समय नहीं रहना चाहता, मैं अपने राज्य की भागदौड़ अपने भाई भरत के हाथों में सौंप देना चाहता हूँ। वे भरत को अपने पास बुलाते हैं और उसे अपनी इच्छा बताते हैं। भरत कहता है, भ्राताश्री, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपके बिना सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ। मैं तो आपकी परछाई की तरह सदा आपके साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पर आप रहेंगे वहीं पर मैं रहूंगा, और जहाँ पर मैं रहूंगा वहीं पर शत्रुघ्न भी रहेगा। श्री राम का भरत से विशेष स्नेह था और भरत का श्री राम के साथ सदा भक्ति का नाता रहा। भरत श्री राम को दिलो जान से प्रेम करता था और उन्हें अपना पिता समझता था। भरत कहता है, भैया, ऐसे कैसे हो सकता है, जहाँ पर आप रहेंगे वहीं पर मैं और शत्रुघ्न रहेंगे, हम तीनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। बेहतर यही होगा कि आप लव और कुश को सिंहासन पर बिठाएं, उन्हें राज्य के बाग दो संभालने के लिए दें। उस समय ऋषि वशिष्ठ वहां पर उपस्थित थे। वे श्री राम से कहते हैं कि राम, भरत सही कह रहा है, भरत की बात उचित है, तुम लव और कुश को सिंहासन पर बैठाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऋषि वशिष्ठ ने भी अपने जीवन में कई तपस्याएं की थी और उन्हें कई शक्तियां प्राप्त थीं। उन शक्तियों द्वारा वे जानते थे, उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम ही भगवान विष्णु है, और वे श्री राम का रूप धारण करके इस पृथ्वी का बोझ हल्का करने आए हैं। अब उनका समय पूरा हो गया है, अब जल्दी ही वे अपने धाम वापस लौट जाएंगे। अब लव और कुश की ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। श्री राम लव और कुश की ताजपोशी के समय उन्हें राज्य की बाग डोर सौंपते हुए कहते हैं, तुम दोनों अपने सामने सदा दो आदर्श रखना। पहला आदर्श है इंसाफ, तुम अपनी आंखें सदा खोले रखना। तुम इस बात का ध्यान देना कि कहीं तुम्हारे राज्य में किसी के साथ ना इंसाफी तो नहीं हो रही है। तुम समय समय पर अपने राज्य का दौरा करते रहना और अपनी प्रजा की हर प्रकार से सेवा करना, उनकी रक्षा करना, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना
और दूसरा आदर्श है दया, जस्टिस एंड कंपैशन, जस्टिस एंड मर्सी। जब दोनों भाइयों का राज तिलक हो रहा था उस समय दोनों भाई बहुत रोते हैं। वे अपने पिता से कहते हैं, पिताश्री हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, जहाँ भी आप जाएं वहीं पर हमें भी साथ अपने साथ ले जाएं। हमारी माता श्री तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई है, अब आप भी चले जाएंगे तो हम कैसे रह सकेंगे। दोनों बच्चे श्री राम के चरणों को पकड़कर रोते हैं। श्री राम अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखते हैं तो उनका दिल घायल हो जाता है। वे दोनों को उठाकर अपने गले से लगाते हैं, फिर दोनों को प्यार से समझाते हुए कहते हैं, किसी न किसी को तो राज्य की बागडोर संभालनी होगी। अब तक मैं इस राज्य की बागडोर संभाल रहा था, अब मेरे बाद तुम दोनों का फर्ज बनता है कि तुम पिता के सौंपे हुए राज्य की बागडोर संभालो। पिता की आज्ञा मानकर दोनों बच्चे अपने पिता से सही प्रकार से राज्य की बागडोर संभालने का प्रण करते हैं। इतने में ऋषि वशिष्ठ आते हैं और कहते हैं कि राम, लोगों में तुम्हारे लौट जाने की खबर फैल गई है। कई लोग तो यह खबर सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। सारी अयोध्या नगरी इस समाचार से दुखी है। श्री राम इस बात को सुनकर चिंतित हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैं नहीं चाहता था कि जाते जाते मैं लोगों को दुखी कर जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिनों भी इलेक्शंस हुआ करते थे, पर उस समय इलेक्शंस का सिस्टम कुछ अलग था। उन दिनों गरीबों को रोटी कपड़ा देकर नेता लोग वोट नहीं खरीदते थे, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से चुनाव होते थे। श्री राम लोगों के प्रतिनिधि को बुलाते हैं और श्री राम से आकर मिलता है और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहता है, राजन आपके बिना अयोध्या के लोग जी नहीं पाएंगे। अयोध्या वासियों की यह इच्छा है कि आप जहां भी जाएंगे वे भी आपके साथ चलने को तैयार हैं। आप हम सबको अपने साथ ले चलें, हम आपके बिना नहीं रह सकते। लोगों की प्रेम और श्रद्धा के आगे श्री राम को समझ में नहीं आता कि वे उन्हें कैसे ना कहें। इसलिए श्री राम प्रजा की इच्छा को मान लेते हैं और कहते हैं, आप सब मेरे साथ चल सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा बताया जाता है उस जैसी रथ यात्रा फिर कभी भारत में नहीं निकली। सारी अयोध्या नगरी श्री राम के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। सारी अयोध्या नगरी खाली हो गई। कहते हैं कि एक भी इंसान उस दिन अयोध्या नगरी में नहीं रहा। लोग तो लोग, पशु पक्षी भी वहां पर नहीं रहे, वे भी श्री राम के पीछे पीछे चल दिए। सबसे आगे श्री राम का रथ चला जा रहा था और उसके पीछे पीछे सारी अयोध्या नगरी चली जा रही थी। जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी वे साफ देख रहे थे कि श्री राम के एक ओर माता सीता और दूसरी ओर भूमि देवी विराजमान थी। वे दोनों उन्हें लेने आई थी। श्री राम के रथ के पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और उनकी रानियां भी थी। मेरे प्रियजनों, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा उस समय भारत के भिन्न भिन्न गांवों, शहरों और प्रांतों के लोग उनके साथ चल पड़े थे। श्री राम की रथ यात्रा में जितने लोग थे उतने लोग आज तक किसी भी यात्रा में नहीं देखे गए। चलते चलते मार्ग में हनुमान भी श्री राम से कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा।
तब श्री राम हनुमान से कहते हैं, हनुमान तुमने मुझसे प्रण किया था कि तुम हमेशा पृथ्वी पर रहोगे, अब तुम अपना वादा निभाओ। हनुमान कहता है, यह बात तो सच है प्रभु, मैंने आपसे प्रण किया था कि मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा, पर मैं आपके बिना यहाँ कैसे रह सकता हूँ। तब श्री राम उससे कहते हैं, हनुमान तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगे। इस पर हनुमान कहते हैं, प्रभु जहाँ पर भी आपकी कथा होगी वहीं पर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। दो अन्य वानर द्विंदा और महिमा तथा तीसरा जामवंत भी श्री राम के से कहते हैं, प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। अब श्री राम किस किस को मना करें, सभी लोग वानर और यहाँ तक के सभी राक्षस भी यही जिद करते हैं कि प्रभु हम आपके साथ चलेंगे। सभी श्री राम के पीछे पीछे चलने लगते हैं। विभीषण को भी इस बात की सूचना मिलती है, तब वे भी दौड़े चले आते हैं। वे भी श्री राम से कहते हैं, प्रभु मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ। तब श्री राम उसे बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहते हैं, विभीषण अभी तुम्हारे कंधों पर काफी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अपनी प्रजा को संभालना है, उसकी देख रेख करनी है। अगर तुम मेरे साथ चले आए तो पीछे लंका को कौन संभालेगा, तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। विभीषण अपने प्रभु की आज्ञा को कैसे टाल सकता था। वह श्री राम का कहा मानकर उनके सौंपे कार्य को करने के लिए वापस लौट जाता है। अब सब लोग सरायू नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। तब श्री राम सब लोगों से कहते हैं कि सरायू नदी गंगा का ही रूप है, क्योंकि यह नदी गंगा नदी से ही निकली है। अब मैं सबसे विदा लेकर गंगोत्री जाना चाहता हूँ, जहाँ से गंगा नदी शुरू होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि गंगोत्री वैकुंठ जाने का छिपा हुआ मार्ग है। जब श्री राम गंगोत्री पहुंचते हैं तो वैकुंठ धाम से उनके लिए एक विमान आता है और वे अपने शरीर को त्याग कर वापस वैकुंठ धाम लौट जाते हैं। आदि शेष यानी लक्ष्मण तो पहले से ही वहां पर उनका इंतजार कर रहा था। जिन लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने देखा कि श्री राम विष्णु का रूप धार कर गरुड़ पर बैठकर अपने धाम लौट गए। साथ ही भरत और शत्रुघ्न भी गए और कहते हैं कि उस समय देवलोक में कीर्तन चल रहा था, ओम श्री राम जय जय राम, ओम शांति 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 ही।